आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कमाल का मल्टीपर्पज स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा जिसको इस देश का हर किसान अपने खेत में लगा सकता है और खेती करके वो अच्छे पैसे कमा सकता है। ये स्ट्रक्चर सस्ता है, थोड़ा जुगाड़ू है, लेकिन बहुत ही कमाल का है। जानने के लिए कि आप कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कभी हाईवे पे चलते हुए आप गांव के रास्ते से होके गुजरते हैं तो आपने इस प्रकार के ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर, नेट हाउस स्ट्रक्चर और पॉली हाउस स्ट्रक्चर जरूर देखे होंगे। हो सकता है आपने इस पे बहुत सारी वीडियो भी देख रखी हो। ये तीनों प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के अंदर आते हैं और अगर आप इसे अपने खेत में लगवाने की सोच रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इनको लगवाने में करोड़ों का खर्चा आ जाता है। सरकार के सब्सिडी देने के बावजूद भी आपको अपनी जेब पे लाखों रुपए खर्चने पड़ जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आज मैं आपको ये सेम स्ट्रक्चर जो करोड़ों का लगता है वो मात्र 20 से 30 हजार में बना के दिखाऊंगा और आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा भी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने बाकी किसान दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा ताकि वो भी ये कमाल का मल्टीपर्पज स्ट्रक्चर अपने खेतों में बहुत ही कम कीमत पे लगा सके। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की नींव से शुरुआत करेंगे और नींव बनाने के लिए आपको सरिये की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास वो सरिये पड़े हैं या आपके पास कोई दुकान खुली हुई है जहाँ से आप कटे हुए सरिये खरीद सकते हैं तो आप सरियों को वहाँ से खरीद लीजिएगा। अगर ऑप्शन आपके पास ना हो, लॉकडाउन के चक्कर में आजकल बंद है सब कुछ जैसे, तो ऐसे में हमारे पास तो सारे जुगाड़ू सामान हमारे खेत पे ऑलरेडी होते ही हैं। हमारे पास लंबे वाले सरिये थे और हमारे पास कटर था तो हमने तो खुद ही काट लिए सारे। अगर आपने ये सब काम पहले नहीं कर रखा है तो मैं सुझाव नहीं दूंगा कि आप खामखा में ये रिस्क लें, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। काफ़ी ज़्यादा तेज़ RPM पे ये मशीन घूमती है और हल्की सी भी कहीं भूल चूक हो जाए, टेक्निक में ख़राबी हो या फिर कोई और दिक्कत आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और ये काफ़ी इंजरी का कॉज बन सकता है। ऐसे में आप 2-4 रुपये खर्चने से आप लालच मत करिएगा और किसी मिस्त्री को पकड़ के आप अपना ये सरिये को कटवा लेना। आपने ये सरिया ज़्यादा मोटा वाला नहीं रखना है और आप इस सरिये को करीब करीब 1.5 से 2 फुट का काट के रख लीजिए। स्ट्रक्चर की नींव डालने के लिए आप इन सरियों को एक हथौड़ा लेके ज़मीन में गाड़ना चालू करिएगा। अब गाड़ना ऐसे है कि आप एक रो पकड़ लीजिए और वहाँ पे हर रो के बीच में 10 फुट के बाद एक सरिया गाड़ते जाइए। इसी तरीके से आप इसी के पैरेलल में राइट में वही सेम चीज़ रिपीट करिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि सारे सरिये बराबरी में एक सिधाई में आए। और इसके लिए अगर आपको थोड़ा टाइम खर्चना पड़े नाप नपाई में तो आप नाप के समझदारी से करिए, क्योंकि एक बार नाप के अगर आप अच्छे से गाड़ेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा फायदा है, ना कि अगर आप पहले गाड़े और फिर बाद में आपको उखाड़ना पड़े। तो एक ही बार में आप अच्छे से रस्सी से या कोई इंची टेप से नाप के बिल्कुल सीध में सभी सरियों को गाड़ दीजिएगा। हर सरिये को आप 8 से 10 इंच तक गाड़िएगा ताकि हमारा ये स्ट्रक्चर तेज़ हवाओं में भी मजबूती से बना रहे। दोस्तों, सरिये गाड़ने के बाद आप एक बार फिर से चेक कर लेना कि सभी सरिये एक सिधाई में है या नहीं। नींव तैयार होने के बाद आप लोग बाजार से या कोई पुराने पड़े हुए 20 फुट के ये PVC पाइप लेके आएंगे और इस प्लास्टिक के पाइप के दोनों कोनों को, दोनों सिरों को आप सरिये के अंदर अच्छे से फर्मली गाड़ दीजिए। पाइप अच्छे से सेट हो जाने के बाद आप कोई छोटी सी रस्सी या सूतली को 1 से 2 फीट की लेंथ में काट के साइड में रख लीजिए। लक्ष्य उठाओ। इसके बाद आप कोई थोड़े पतले साइज के PVC पाइप लेकर इस आर्क के एक तरफ से बांधना चालू करिए। ये थोड़े पतले साइज के जो PVC पाइप है ये इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने का काम करेंगे और आपस में ये जब बंध जाएंगे तो होगा ये कि जब तेज हवा चलेगी तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर गिरेगा नहीं, पर इतना रिजिड हो जाएगा कि ये थोड़ा बहुत झोल खा पाए।
आप रस्सी बांधने में थोड़ी कंजूसी मत करिएगा, और जितना ज़्यादा मजबूती से आप इसे बांधेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहेगा। तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा मजबूती से बांधिएगा। और फिर यही सेम चीज़ आपको दूसरी तरफ भी करनी है, ताकि ये दोनों तरफ से काफ़ी मजबूत हो जाए। इनफैक्ट हम तो इसके अंदर कुल मिला के 3 सपोर्ट देते हैं लाइनों का, ताकि ये बिल्कुल फ्यूचर प्रूफ हो जाए और इसमें कभी भी कोई दिक्कत ना आए। जो आखिरी सपोर्ट है वो हम इसको ऊपर की तरफ टॉप में देते हैं, और यहाँ पे भी हम अच्छी खासी रस्सी का इस्तेमाल करते हैं और डार्टिंग से लेकर आखिर तक बहुत ही टाइटली यानी कि कस के रस्सी को बांधते हैं। दोस्तों अगर ऐसा करते वक्त कहीं पे भी दो पाइपों के बीच में जॉइंट है तो आप उसको अच्छे से कोई टेप से जोड़ दीजिएगा, और इसी टेप से आप हर पाइप के आखिर में सील लगा दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसा नुकीला कोना अगर उसमें हो तो उससे हमारा नेट या पॉलीथीन चढ़ाते हुए फटे ना। और इस ढंग से आपका ये मल्टीपर्पज स्ट्रक्चर बड़े ही आराम से तैयार हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये है कि मान लो मैंने अपने खेत में जैसे कि टमाटर लगा रखा है, और टमाटर मई जून की धूप नहीं सह पाता, ऐसे में मैं इस टमाटर को हरे रंग के ग्रीन नेट से ढक दूंगा, और इस तरीके से मैं मई के अंदर भी अपने ग्राहकों को टमाटर उगा के दे सकता हूँ। चलिए दिखाते हैं ये शेड नेट को इंस्टॉल करना कितना आसान है। दोस्तों आप इसमें एक बात ये नोटिस करिएगा कि ये मैंने जो हरा नेट है वो जब पिछली बार तय करके रखा था तो कितने सिस्टमेटिकली फोल्ड करके रखा है, और इसी वजह से मैं मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर इस पूरे नेट को लगा पा रहा हूँ। अगर ये मैंने ऐसे ही उलझा के रख दिया होता तो फिर ये नेट फट भी गया होता अब तक गल के, और ये जब मैं लगाने जा रहा होता तो ये उलझ भी जाता। ये मेरे नेट कम से कम भी 12 साल पुराने हैं, और ये जो पाइप है पीवीसी के वो भी 3 साल पुराने हो चुके हैं। साथियों खेती के अंदर अगर आपने मुनाफा कमाना है तो आपको अपना सामान संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि सब्जियां तो उतने की ही बिकेंगी। आप मुनाफा तभी कमा पाएंगे जब आप कॉस्ट कटिंग कर पाएं और अपने सामान को ख़राब होने से बचा पाएं, नहीं तो आप बेफिजूल में बहुत पैसा इधर उधर ख़राब करते रहेंगे। दोस्तों ये मत सोचना कि ये वाला जो मेरा जुगाड़ू टाइप का मल्टीपर्पज़ स्ट्रक्चर है वो इन आलीशान से बड़े बड़े दिखने वाले पॉली हाउस स्ट्रक्चर से कोई कम है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो ये इतने बड़े बड़े पॉली हाउस होते हैं उनमें आपने अक्सर ये देखा होगा कि क्योंकि ये इतने ऊँचे हैं तो तेज़ हवाओं के अंदर इनकी अक्सर प्लास्टिक फट जाती है। ये समस्या मेरे वाले पॉली हाउस में नहीं आती, क्योंकि इनकी हाइट छोटी होती है। इनको लगाना आसान है, आप इनको सस्ते में बना सकते हैं, इनकी मेंटेनेंस आसान है, और आप इनको किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। और भाई तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इस स्ट्रक्चर का ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीपर्पज़ है, जिसकी वजह से आप इसका इस्तेमाल साल भर कर सकते हैं। अगर धूप ज़्यादा हो तो आप इस पर हरा नेट डाल दीजिए, अगर ठंड ज़्यादा हो तो आप इस पर पॉलीथीन डाल दीजिए, और अगर बरसातों में ज़्यादा कीड़ों की समस्या आती है तो आप इस पर 50 माइक्रोन का नेट लगा सकते हैं। अभी के लिए यार इतना ही, आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको इन सभी अलग अलग पॉली हाउस स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।